नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नितेश गुप्ता। कोरोना वायरस ने पूरे दुनिया में तबाही मचा रखा है। आपको बता दें, पूरे दुनिया भर में लगभग 9000 लोगों की मौत हो रखी है इस वायरस से और लगभग लाखों लोग इससे संक्रमित हैं। हमारे साथ इस मुद्दे पर खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर आर्यन सिंह जी, जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी हैं और मिशन सेव इन इंडिया के नाम से ये कंपेनर भी हैं। और एक खास मेहमान और जुड़े हैं, शैलेंद्र कुमार नाम है, डॉक्टर हैं ये, जनरल प्रेसिडेंट हैं यहाँ के प्रैक्टिशनर एसोसिएशन ऑफ गोरखपुर के। हम इनसे भी खास बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे कि ये जो कोरोना वायरस फैल रहा है, आखिर इससे बचे कैसे है? और तमाम लोग जो इस शक के दायरे में हैं कि आखिर ये वायरस है क्या और करें क्या इससे बचने के लिए, क्योंकि घरों में लोग कैद हो रखे हैं। सरकार ने ये फैसला उठा लिया कि लोग घरों में कैद रहें, तमाम ऑफिस, स्कूल, कॉलेज सब बंद हो रखे हैं। तो इस पर हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस वायरस से कैसे बचा जा सकता है। तो सबसे पहले स्वागत है सर हमारे चैनल में। आपसे जानना चाहेंगे सर, जिस तरीके से इस वायरस ने पूरे विश्व भर में पैर पसार दिया है, भारत में भी पैर पसार दिया है, करें क्या, इसके लक्षण क्या है और कैसे पहचाने कि ये किसी को कोरोना वायरस है? देखिए, इसमें लक्षण ही बहुत ख़तरनाक हैं, क्योंकि बड़े साधारण लक्षण हैं। होता क्या है कि इसमें भी सिर्फ यही खांसी, छींक, जुकाम, बुखार बहुत तीव्र होने पे जो है, इसमें बाकी मल्टी आर्गन इन्वॉल्वमेंट जैसे किडनी का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है और कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है। तो इसको कैसे फ़र्क किया जाए कि ये कोरोना का मरीज़ है या नॉर्मल फ्लू का है, ये एक समस्या है। तो इसके लिए सबसे सीधा सवाल यही है कि हम इसकी जांच करें, और जांच तो हम सबकी नहीं कर सकते। तो जांच के लिए, जैसे जब हम हिस्ट्री, डॉक्टर एक हिस्ट्री लेता है कि आपके इसको लेना चाहिए, कि आपके घर में कोई विदेश से भ्रमण करके तो नहीं आया है, कोई विदेशी के संपर्क में आप आए तो नहीं हैं, या और उसके बाद आपको जुकाम खांसी हुआ है। तो इन सब चीज़ों को कोरिलेट करके जब हम देखेंगे कि उसको खांसी जुकाम हुआ है, तब उसको हम उसकी वायरोलॉजिकल टेस्ट करेंगे जो PCR के माध्यम से होता है, और वही इसको कंफर्म कर पाएगा कि ये कोरोना वायरस है या साधारण सर्दी जुकाम बुखार है। कोई भी चिकित्सक कितना भी कॉम्पिटेंट क्यों ना हो, वो जब तक ये हिस्ट्री नहीं लेगा कि इसके संपर्क में, शुरू की बात मैं कर रहा हूँ, अब तो भारत में लोगों से होने लगा है, स्थिति बदल गई है, लेकिन शुरुआती दौर में जब ये हिंदुस्तान में आया और तब कैसे पहचान सकते थे। और अब भी ये हिस्ट्री ज़रूरी है कि अगर किसी को संपर्क में है जो कोरोना हो चुका है, उसके संपर्क से आया है और उसको भी खांसी जुकाम हो रहा है, तो इससे पहले की स्थिति बदले, हमको उसके जो है वायरोलॉजिकल टेस्ट करा करके, जिसके लिए सरकार ने तमाम केंद्र खोल दिए हैं, और वहाँ से ये निश्चित हो जाएगा। सर, लोग काफ़ी परेशान हैं, मास्क की बात की जा रही है कि मास्क लगाने से इसको रोका जा सकता है, तमाम तरीके के अफवाह भी मार्केट में चल रही हैं, क्या मास्क इसका एक उपाय है बचने का? देखिए, मास्क तो एक बहुत बड़ा उपाय है। अब हमारी मजबूरी यह है कि जनवरी के महीने से तो हम लगातार सरकार को भी चेताते रहे, अपनी बातें कहते रहे कि इसके प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, क्योंकि मास्क बहुत कम है, मास्क ब्लैक मार्केट हो रहे थे। अब सरकार ने उसको आवश्यक वस्तु अधिनियम में ले लिया है, हम लोगों ने आवाज़ उठाई और सरकार ने सुना। सवाल ये नहीं है, अगर आपने आवश्यक अधिनियम में ले लिया, वस्तु अधिनियम में, तो उससे मास्क बन तो नहीं जाएंगे ना। अब उसके लिए हमारा ये है कि दो विकल्प हैं। एक तो हम लोग जो इसके मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको टेम्पटेशन दे के, प्रलोभन दे करके ज़्यादा उत्पादन के लिए उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं। अब टेम्पटेशन इस तरह के, उसका GST माफ़ कर दिए, बिजली का बिल आधा कर दीजिए, और उसको जो है और तमाम तरह की सुविधाएँ दीजिए, और उसको इसके एक्सपोर्ट पर रोक लगाइए, एक्सपोर्ट पर रोक लग गई है। इसी के साथ साथ जो दूसरा विकल्प है, एक जुगाड़ मास्क का विकल्प है, क्योंकि मेरे हिसाब से एक चिकित्सक के रूप में और वैसे एक भारतीय के रूप में मैं साफ कहना चाहूँगा कि इसको हर व्यक्ति को आजकल मास्क लगाना चाहिए, अगर वो भीड़ भाड़ के इलाके में या कहीं जा रहा है। तो अब इतनी जल्दी मास्क तो बन नहीं जाएंगे, तो उसके लिए एक बहुत साधारण सा विकल्प है, लोगों ने मैंने कहीं देखा, अब ये मेरा ईजाद किया हुआ नहीं है, जैसे रुमाल तो हर व्यक्ति के पास होता है, आप क्या करें, एक रुमाल ले लें और रुमाल को जो है उसके अंदर एक जो है ये नैपकिन रख लें, नैपकिन को ऐसे बराबर से रख करके, और फिर आप रुमाल को फोल्ड कर दें, और फोल्ड करने के बाद अपने मुंह और नाक को इससे ढक लें। आंख ढकना उचित नहीं है, क्योंकि कोरोना का संक्रमण नाक और मुंह से होता है। इसको जब भीड़ भाड़ के इलाके में या संक्रमित लोगों का आपको सुबह है वहाँ पे, इस तरह से कर सकते हैं, ये कोई भी व्यक्ति कर सकता है, अगर मास्क की कमी है तब भी, मास्क की कमी है तब भी। काफ़ी अच्छा उपाय इन्होंने बताया है सर आपने।
आपसे जानना चाहेंगे सर कि जिस तरीके से ये वायरस इतनी तेज़ी से फैल रहा है, लोग काफ़ी परेशान हैं, 170 से ज़्यादा मामले केवल भारत में आ चुके हैं, क्या लक्षण है इसके? और अगर मान लीजिए आदमी को नॉर्मली खांसी सर्दी आ रही है, तो क्या डॉक्टर के पास जो नॉर्मल दवाएं लोग डेली यूज़ करते हैं अगर खांसी सर्दी में आए, तो वो यूज़ करें या इसके लिए तुरंत डॉक्टर के पास जाके इनसे इलाज की ज़रूरत है? देखिए, इस समय जो लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं इस बीमारी के, वो सामान्य फ्लू के लक्षण से मिलते हुए, तो मेरी राय तो ये है कि हर व्यक्ति जिसको सर्दी खांसी बुखार है, उसको डॉक्टर के पास ज़रूर कॉन्टैक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये डिफरेंशिएट करना शुरू में कि वो फ्लू से ग्रस्त है या कोरोना से ग्रस्त है, उसके लिए बहुत मुश्किल पड़ेगा। ध्यान देने वाली ये है, जो लक्षणों की बात अभी हो रही थी, कि जो एक दूसरा हफ्ता आता है फ्लू का, फ्लू सामान्यतः 8-10 दिन तक कंटिन्यू कर सकता है, जो दूसरा हफ्ता होता है तो दूसरे हफ्ते में फ्लू कम होने लगता है, लेकिन कोरोना के जो रोगी होते हैं उनमें सांस फूलने की प्रक्रिया दूसरे हफ्ते में बढ़ने लगती है, क्योंकि तब फेफड़े में निमोनिया शुरू होता है। तो ये चीज़ अगर वो डॉक्टर के कॉन्टैक्ट में रहेंगे तो वो पकड़ेगा, उसकी जाँच कराएगा, एक्सरे से पहले पकड़ में आ जाएगा, और जहाँ भी उसको शक लगता है कि यह व्यक्ति कोरोना से संक्रमित है, तो उसका PCR इन्वेस्टिगेशन, जैसा कि अभी डॉक्टर आर एन सिंह ने बताया, उसके स्वाब से, ओरोफेरिंजियल स्वाब से किया जाता है। अच्छा, देखा गया सर ये वायरल डिजीज है, काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, बचने के लिए क्या उपाय हैं? बचने के लिए पहले आपको ये जानना चाहिए फैल कैसे रहा है। जी, ये फैलता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से। जैसे हमको अगर संक्रमण है, तो हम जो छींकते हैं तो हमारे छींक में जो बूंदें निकलती हैं उसमें ये वायरस होता है। वो हम कितने दूर तक छींक लेते हैं? 1 से 2 मीटर तक, वहीं तक जा पाता है। तो पहला बचाव का उपाय ये है कि जो लोग छींक खांस रहे हैं उनसे दूर रहिए, 2 मीटर दूरी रखिए। जो लोग छींक खांस रहे हैं वो अपना हाथ इस तरह से करके अपने बांह में इसको छींकें या रुमाल का इस्तेमाल करें, ये बचाव का बहुत ही बड़ा साधन है। मास्क का प्रयोग, जैसा कि डॉक्टर आर एन सिंह ने भी बताया, वो भी एक बहुत ही बढ़िया साधन है बचाव का। तो इस अच्छा, सर पता कैसे चल रहा है और कितने दिनों में पता चल रहा है कि किसी व्यक्ति को कोरोना वायरस है या फिर वो कोरोना संक्रमण? मैंने अभी आपको बताया कि लक्षणों के आधार पर हम लोग सस्पेक्ट करते हैं दूसरे हफ्ते में जा करके, और दूसरे हफ्ते में यदि हम उनका वो टेस्ट कराते हैं PCR टेस्ट, तो उसकी रिपोर्ट आने में 2-3 दिन लगती है, और उसमें वो कंफर्म हो जाता है कि है या नहीं है। सर क्या इसके इलाज, अभी आपसे जानना चाहेंगे सर, क्या इसके इलाज अभी नॉर्मल हर जगह पे हो रहे हैं या फिर इसके लिए एक विशेष कोई हॉस्पिटल या फिर कुछ और बनाए गए हैं जिसके लिए वहाँ पे इलाज किया जा रहा है? देखिए, अगर संक्रमित मरीज़ कन्फर्म हो गया टेस्ट के बाद, तो उसको जो है फिर आइसोलेशन में रखा जाता है और उसका इलाज भी, मतलब गहन चिकित्सा उसकी होती है। और इलाज में वैसे तो कोई इलाज नहीं है, लेकिन मैं यहाँ एक जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा। जयपुर के कुछ चिकित्सकों ने ICMR के मतलब साथ मिलकर के एक प्रयोग किया है, 3 एंटीवायरल ड्रग्स को लेकर के, जो 2 तो जो एड्स में इस्तेमाल होती हैं और एक जो है स्वाइन फ्लू में इस्तेमाल होती है, उसके साथ क्लोरोक्विन को मिला करके, और उन्होंने देखा है, लेकिन अभी इसकी रिपोर्ट कंफर्म नहीं है, लेकिन क्योंकि ये तो नॉर्मली भी मरीज़ ठीक होते हैं कोरोना के, ऐसा नहीं कि जो बीमार पड़ा वो सब के सब अब बचेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं है। तो 3-4% के बीच में मृत्यु दर है, तो उन्होंने ये पाया है, और ICMR ने चूँकि इसकी तस्दीक की है, तो एक बहुत अच्छे लक्षण है कि ये एंटीवायरल ड्रग्स का जो कॉम्बिनेशन है, कॉकटेल ऑफ 3 एंटीवायरल ड्रग्स प्लस उसी के साथ साथ ऑस्टिलावीर भी है और ये क्लोरोक्विन, तो क्लोरोक्विन के साथ दे करके उन्होंने देखा है कि उसमें सुधार जल्दी हुआ है और बेहतर हुआ है, इसको ICMR ने तस्दीक की है। तो एक शुभ संकेत है, क्योंकि ये एक श्रेय जो है मतलब वर्ल्ड वाइड हिंदुस्तान के चिकित्सकों ने किया है, ये हमें हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। अगर ये सही निकलता है और अगर ये सही पाया जाता है, तो अभी तक वर्ल्ड में किसी भी इवेंट का, USA में, चाइना में जहाँ बहुत फैला, उन्होंने इस तरह का कोई दावा अभी तक नहीं किया था। एक ये परंपरा ज़रूर है कि एंटीवायरल ड्रग्स के मिश्रण को एड्स में और तमाम जैसे रिट्रोवायरल थेरेपी है इसमें ट्राई किया जाता है, लेकिन क्लोरोक्विन के साथ ये जो है कोरोना वायरस पे इन्होंने जो प्रयोग किया है, और जयपुर में जो थे
लोग उनमें से उन्होंने देखा है कि फास्ट रिकवरी हुई। अब ये जांच का विषय है कि वाकई ये कारगर है या नहीं, लेकिन ये बहुत शुभ संकेत है। सर, देखा गया है कि काफ़ी भयावह स्टेज में, ये तीसरे से चौथे स्टेज में जाने की संभावना है। बताया जा रहा है कि स्थिति काफ़ी भयावह है हर पूरे विश्व भर में ही, तभी सरकार ने कई कदम भी उठाए हैं, तमाम कॉलेज, स्कूल, ऑफिसेज तक बंद कर दिए गए हैं। क्या ये जिस तरीके से फैल रहा है अभी, क्या और इसके फैलने के आसार हैं या फिर अभी ख़त्म होगा? मैं फिर दोहराना चाहूँगा कि इसके लिए हमको इसके संक्रमण के प्रोसेस को जानना ज़रूरी है। ये वायरस ऐसा है कि जो रोगी के शरीर में ही जीवित रहता है, रोगी के शरीर से बाहर निकल के ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहता। रोगी के बाहर शरीर के ये गया तो इसकी जीवन अवधि कुछ ही दिन रह जाती है। जैसे हमने अगर छींका और किसी सामने टेबल पर मेरा पड़ा हुआ है वायरस वहाँ से छींक के द्वारा, तो वह ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, दो तीन दिन, चार दिन। तो इसलिए अगर हम बचाव के उपाय पर ध्यान दें, जैसे सफाई का पूरा ध्यान रखा जाए, हमारे हाथ शरीर में कैसे जाता है, वो हमारे हाथों के द्वारा हमने नाक टच किया, मुंह टच किया, उसके जाता है। तो हम अब रेगुलर अपना हाथ धोते रहें, सैनिटाइज़र का उपयोग करें। सैनिटाइज़र भी अगर 70% अल्कोहल वाला मिलेगा तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, और नहीं भी अगर सैनिटाइज़र मिलता है तो अगर हम अपना हाथ रेगुलर साबुन पानी से धोएं, सामान्य साबुन से ही, तो भी हम उस वायरस से निजात पा सकते हैं। तो एक तो हम उसके संक्रमण के प्रोसेस को ही रोक देना है ताकि ये स्प्रेड ना हो। स्प्रेड नहीं होगा तो ये बीमारी ऑटोमेटिकली, इसका एक नियम होता है, अगर एक आदमी एक को संक्रमित करता है तो कोई भी बीमारी ज़्यादा दिन नहीं चल पाती, लेकिन अगर एक आदमी चार को संक्रमित करता है तो वो थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज में बढ़ता जाता है। अच्छा सर, देखा गया है कि अफवाह भी काफ़ी है, क्या नॉनवेज खाने से, या फिर लोग कह रहे हैं नॉनवेज खाने से हो रहा है, अल्कोहल पीने से नहीं हो रहा है, कोरोना वायरस भाग रहा है, क्या ऐसा भी कुछ लेना देना है इससे? नहीं, ये एक मिथक है कि नॉनवेज खाने से कोरोना वायरस होता है, ये एक मिथक है। अब ये ज़रूर है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से आप पके हुए नॉनवेज का इस्तेमाल करें, वो स्वास्थ्य के लिए है, लेकिन अब ऐसा कन्फर्मेशन कहीं से नहीं आया कि नॉनवेज खाने से कोरोना वायरस फैलता है। अल्कोहल का सर? अल्कोहल तो इसके सैनिटाइज़र में हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसको मारने के लिए, तो अल्कोहल से पीने से कोरोना होने का कोई प्रश्न नहीं उठता। अब ये लोग कह रहे हैं कि जिनको कोरोना वायरस है अगर वो शराब का सेवन करते हैं तो कोरोना वायरस से बच सकते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ये गलत है, ये एक मिथक है। अल्कोहल दरअसल ये तो पेट में जाता है, पीने से जो है चीज़ स्टमक में जाएगी, और ये वायरस जो है ये रेस्पिरेटरी वायरस है, मतलब ये श्वसन तंत्र में जाएगा, तो ये एक मिथक है। और इसके अलावा ये कुछ नहीं है कि अल्कोहल पीने वालों को ये कम होगा, जो ठीक है इतना तो हो सकता है कि यहाँ जो मतलब जब तक वो खाने की नली में वहाँ तक जो है जाकर जो होगा उस कोरोना को साफ कर दे, क्योंकि अल्कोहल इज़ अ वर्किंग एज अ सैनिटाइज़र इन दिस केस, लेकिन ये नहीं है कि अल्कोहल पीने वालों को कम होगा और इस वजह से लोग अल्कोहल पीना शुरू कर दें। मैं इस बात को बिल्कुल कतई जो है इससे इत्तेफाक़ नहीं करता। अच्छा सर, बात गोरखपुर की करें तो नेपाल से काफ़ी सटा हुआ है, नेपाल चीन से सटा हुआ है, वहाँ से ये वायरस की जो है शुरुआत हुई है, क्या इससे भारत और नेपाल के बीच में जिस तरीके से दूरी कम है उससे गोरखपुर को कितना खतरा है? देखिए, गोरखपुर तो मैं कहूँगा ज्वालामुखी के मुहाने पर है, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद अब सरकार ने पाबंदी लगा दी है, कोई भी चाइनीज या संक्रमित देश से आने वाले नहीं आएंगे, लेकिन इंडिया और नेपाल में रहने वाले तो सुबह शाम इंडिया और नेपाल से आते जाते रहते हैं व्यापार के लिए, क्योंकि इंडिया और नेपाल का तो रोटी और बेटी का संबंध है, तो जाहिर सी बात है कि उस पर हम रोक भी नहीं लगाते। वहाँ पे जो है ये चेक पोस्ट अब बन गए हैं, उसकी भी मांग हम लोगों ने उठाई थी, एक थर्मल मॉनिटरिंग की मांग उठाई थी, जनवरी फरवरी में ही उठाई थी, अब बहरहाल हो गई है, थर्मल मॉनिटरिंग 7-8 दिन से हो रही है। तीसरी चीज़, हम लोगों ने एक रिकमेंडेशन दी थी मिशन सेव इंडिया के माध्यम से कि इसके लिए एक वहाँ पे ये आइसोलेशन वार्ड बनाया जाए, और मैं ये यहाँ पे आपको बड़े फ़ख्र के साथ बता सकता हूँ कि हम ही लोग सार्स के आक्रमण पर, जब वो भी चाइना से ही आया था, हांगकांग से आया था, तो हम लोग इंडो नेपाल बॉर्डर पे 2003 में एक 3 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनवा भी सके थे, तब तो जांच की फैसिलिटीज़ भी नहीं थी। और दूसरी बात यह है कि इस परिप्रेक्ष्य में ये मैं बहुत साफ कहना चाहूँगा कि ये जो यहाँ की वायरोलॉजी लैब है, जो पुणे की वायरोलॉजी लैब में मान लिया आप टेस्ट के नमूने भेजते हैं,
तो तकरीबन 5 से 7 दिन लग जाते हैं रिपोर्ट आने में। इस बीच में आप कंफर्म नहीं होते हैं कि जिसके आपने नमूने भेजे हैं वाकई वो संक्रमित है या संदेह में है। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने बार बार मांग उठाई मिशन सेव इन इंडिया के माध्यम से ही कि गोरखपुर की लैब को भी अधिकृत कर दिया जाए और इसको हाईटेक कर दिया जाए, क्योंकि इसको पैसे की भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर 2017 की 13 तारीख अगस्त की अगर आपको याद हो, जब यहाँ पे अचानक एक बहुत बड़ा जो है बच्चों के मरने पे एक तमाम तमाशा हुआ था, इंसेफ्लाइटिस नहीं, वो न्यू बॉर्न ज़्यादा मरे थे, वो अर्नेस्टली वो पॉलिटिकल इशू बन गया था उस वक्त, जो है हमारे हरदिल अजीज़ मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के आह्वान पे देश के स्वास्थ्य मंत्री, तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री माननीय श्री जेपी नड्डा जी आए थे, उन्होंने 85 करोड़ रुपए की घोषणा भी की थी। तो मैं ये कहता हूँ अगर इस लैब को हम लोग, इस वायरोलॉजी लैब को हाईटेक एंड अपडेट बना देते हैं तो अब तो खैर ये आर्डर अधिकृत तो कर दिया है कि कोरोना के अभी 3-4 दिन वही मांग चली आ रही थी तो उसको कर दिया है सरकार ने, हम उसको धन्यवाद देते हैं, हार्दिक धन्यवाद देते हैं कि ये जाँच अब गोरखपुर में भी होगी। लेकिन हमारा उस लेवल पर ही थम जाने का मतलब नहीं है, हम ये चाहते हैं ये इतनी हाईटेक हो जाए कि कम से कम 3/4 पुणे की जो मेन लैब है उसके बराबर हो जाए। क्योंकि अभी आपने सुना होगा कि अभी देवरिया में केसेस इसके वेस्ट नील फीवर के भी आ गए हैं। वेस्ट नील फीवर जो है पहले हिंदुस्तान में कभी नहीं देखा गया, तो CDC को बुलाना पड़ता था, वो भी हम लोग 2006 में बुलवाए थे, CDC ऑफ अमेरिका, अटलांटा अमेरिका, तो उसने गहन अध्ययन किया था, बताया था कि JE के केस अब 2007 में कम हो गए और ये अब एंट्रोवायरल के केसेस हैं। मतलब ये कहना चाहता हूँ कि ये लैब जो आप अगर गौर से देखें हिंदुस्तान के नक्शे पर, तो सब हिमालयन बेल्ट के जो प्रदेश हैं, राइट फ्रॉम उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, कुछ थोड़ा बहुत वेस्ट बंगाल भी, असम इत्यादि, अगर इन सबकी आबादी को आप जो है सम करेंगे, समअप करेंगे, जोड़ेंगे, तो तकरीबन ये 35 से 38 करोड़ लोगों की आबादी होगी। तो उनके लिए अगर ये गोरखपुर में ये लैब अगर हाईटेक हो जाती है तो ये बहुत अच्छी बात होगी। कोरोना का संक्रमण तो खैर उसके लिए अधिकृत कर दिया गया है, लेकिन अभी भी फाइनल कंफर्मेशन जो DNA फिंगर प्रिंटिंग वाली बात जो है जिससे फाइनल कंफर्मेशन होता है, उसके लिए संक्रमित के सैंपल्स को हो सकता है पुणे भेजना पड़ता है। तो हम उस लेवल की लैब बनाना चाहते हैं इसको कि ऑलरेडी ये 2007 से यहाँ स्थापित है और ये हो जाए तो जल्दी से आपको उसी दिन पता चल जाएगा और आप मतलब परेशानी में नहीं रहेंगे, और वो जो संभावित संक्रमित व्यक्ति है वो 1 से 10 और 10 से 1000 को संक्रमित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टेस्ट के बाद ही आप कह पाएंगे कि ये कोरोना का संक्रमण है। कोरोना का संक्रमण सर, आपसे जानना चाहेंगे कि माना जा रहा है कि कोरोना वायरस जो है अगर ज़्यादा तापमान बढ़ता है तो उससे ख़त्म हो जाएगा, क्या तापमान का लेना देना है कोरोना वायरस से, क्योंकि देखा गया है कि ब्राज़ील की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो वहाँ पे टेम्परेचर तो भले हाई है लेकिन वहाँ पे भी वायरस की जो है बढ़ी रही है जितने लोग पीड़ित हैं। देखिए अभी कोई इस तरह के तथ्य कंफर्म नहीं हुए हैं, जैसा कि जन धारणा में प्रचलित है कि 35 के ऊपर ये वायरस समाप्त हो जाता है, ऐसा अभी कोई तथ्यात्मक हम लोग के पास डाटा नहीं है। इसलिए ये कह देना कि गर्मी आने के बाद ये ख़त्म हो जाएगा अभी वो बहुत सही नहीं होगा। ऐसा नहीं टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर या उससे कुछ लेना देना कोरोना वायरस का, अभी ऐसा कंफर्म कोई डाटा हमारे पास नहीं है। सर इस पे मैं अपनी बात कुछ कहना चाहूँगा कि देखिए ऐसा हुआ है कि आपने जो बताया कि कुछ देश ऐसे हैं जो गर्म देश हैं जिनका तापमान ज़्यादा रहता है, वहाँ पर इसका संक्रमण बावजूद पूरे विश्व में फैल जाने के बाद भी कम रहा, तो ये सिर्फ संभावना ज़रूर की जा सकती है, दावा नहीं किया जा सकता कि टेम्परेचर बढ़ने पे हो जाएगा। और ऐसी उम्मीद भी है कि जैसे अब मार्च 15 तक अभी बीच में बारिश हो गई इसलिए यहाँ के टेम्परेचर में बहुत फ़र्क नहीं आया, बहुत गिरावट नहीं, बताइए बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं गया, अगर गया होता जैसा कि मार्च में हो जाता था तो अभी हो भी रहा है 1-2 दिन से, तो ये उम्मीद की जा सकती है, दावा नहीं किया जा सकता कि टेम्परेचर बढ़ने से, क्योंकि ऐसा कोई रिकॉर्ड इसलिए नहीं है कि कोरोना वायरस कोविड-19 जो है एक नए तरह का वायरस है, वो कोरोना फैमिली का ज़रूर है, जिससे सार्स हुआ था, जिससे मर्स हुआ था, सार्स मीन्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, मर्स मीन्स मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये जो दो बड़े मतलब एक तरह के जो वायरल वो हुए थे एपिसोड्स,
उसी तरह से कोरोना का एक नया है, इसलिए बहुत कुछ कह पाना अभी जो जैसा डॉक्टर साहब ने बताया मैं उनसे बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ। बस उम्मीद ज़रूर की जा सकती है कि हाई टेम्परेचर पे 35 के बाद 30 के बाद इसका जो है प्रसार और प्रसार ख़त्म हो जाए। दिक्कत यह है कि जो लोग संक्रमित हो चुके हैं तो 14 दिन का तकरीबन ये मानते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, तो वो तो जब ठंडक थी तभी का संक्रमित हो चुके हैं, और जब उसके बाद लगभग 2 हफ्ता 3 हफ्ता 4 हफ्ता लग जाता है ठीक होने में, तो संक्रमित हो चुके लोगों में तो कमी अभी आएगी कि नहीं? सब तो अभी पूरे सिम्टम्स दे रहे हैं या खाली जो है वो अभी संक्रमित हैं लेकिन अभी सिम्टम नहीं आए हैं, इसलिए जो है टेम्परेचर वाली बात पे कुछ कह पाना अभी बहुत मुश्किल है। सर एक छोटा सा आखिरी सवाल, प्रिस्क्रिप्शन क्या करें जो घर में बैठे लोग हैं, या बचाव कैसे करें या फिर कैसे इस चीज़ से बचें? देखिए हर व्यक्ति के लिए खास करके यहाँ उनकी बात करनी है जहाँ विदेश से आए हुए लोग हैं या विदेश से आए हुए लोगों के साथ संपर्क में रहे हैं। अब तो वो बात ही ख़त्म हो गई कि जो चूँकि भारत में भी ये फैल गया, आपने बताया कि ये लगभग 170 लोगों में हो चुका है और 3 मौतें भी हो चुकी हैं, तो उनसे मतलब अगर उस तरह के लक्षण दिखाए दें, मैं कहता हूँ सामान्य खांसी ज़ुकाम बुखार अगर फ्लू भी है तो उससे भी तो दूसरों को बचाना ही चाहिए ना, क्या ज़रूरी है दूसरों को हो? तो वो उसमें कम से कम अगर वो छींक रहा है खांस रहा है तो उसको अपने चेहरे पे मतलब अपने मुंह पे रुमाल से रखने की कोशिश करें कि वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ये फैलता है तो उसका फैलाव कम हो। फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग की बात हुई, सैनिटाइज़र के इस्तेमाल की बात हुई, इन सब चीज़ों से जो है उसके संक्रमण को रोका जा सकता है। जैसे कभी हमारे वहाँ तो प्रथा ही नहीं है, चीन में भले ही लोग खाते रहे हों कच्चा मांस और कच्ची चीज़ें मतलब जो है मांसाहार करते रहे हों, हमारे वहाँ जो भी मांसाहारी हैं वो ज़्यादातर क्या 99.99% लोग उसको पका के ही खाते हैं, और पकाने के बाद कोरोना के संक्रमण की कोई ऐसी बात नहीं रह जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि अभी इस वक्त जो है बुज़ुर्गों के लिए ख़ास एहतियात ये बरतना होगा, घर में अगर बुज़ुर्ग हैं तो ऐसे खांसी छींक सामान्य बीमारियों वाले लोगों से भी दूर ही रखा जाए, क्योंकि उनके जो है जो ये 3 मरे हैं लगभग मेरा ख्याल है 3 के 3 बुज़ुर्ग ही थे, अराउंड 70 और अबव 70 थे, तो बुज़ुर्गों को ये ज़्यादा जो है उसमें मृत्यु दर उनके बुज़ुर्गों की ज़्यादा है जबकि उनका ट्रेवल कम है और होना भी कम चाहिए। आपने इस बारे में हमसे हम जानकारी शेयर की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर शैलेंद्र कुमार और आर्यन सिंह जी, जिनका साफ कहना था कि कोरोना वायरस से कैसे बचा सकता है, जब भी खांसी है या छींके तो हमेशा कोहनी का इस्तेमाल करें या रुमाल लगाएं, और हमेशा जब भी मार्केट में जाए तो मास्क लगा के निकलें। कोरोना वायरस से बचना है तो ये आपकी सावधानी से ही बचेंगे, किसी के संपर्क में ना आए, और खासा ध्यान रखें कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश से आता है तो उसके संपर्क में ना आए। बाकी अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें मेरे साथ, देखते रहिए गोरखपुर लाइव। धन्यवाद। अन्य खबरों के लिए आप गोरखपुर लाइव चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें।